शिक्षा जगाने चले थे, शिक्षा पर चर्चा करते थे, अल्लाह टपक रहा शिक्षा मंत्री बनने के लिए। ऐसा घटिया स्टेटमेंट का मैं कोई जवाब नहीं दे सकता। उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा की सदस्यता छोड़ने वाला व्यक्ति है। उपेंद्र प्रसाद था, उसको कुशवाहा तो हम बनाए हैं। बात है कि बेचारा उपेंद्र कुशवाहा जी बिल्कुल हताश और निराश हो गए हैं, तो अल्टीमेटली वो सष्टांग होकर करके नीतीश कुमार जी का चरण वंदना करते हुए कुछ पद हासिल करना चाह रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन। रालोसपा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार पर बयान देते हुए कहा है, जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार के लिए किया है वो कतई सही नहीं है और नीतीश कुमार के वो समर्थन में आगे भी बोलते रहेंगे। आगे उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, आगे आगे देखिए होता है क्या। तेजस्वी यादव पर अटैक और नीतीश कुमार का समर्थन, उपेंद्र कुशवाहा क्या कर रहे हैं? क्या ये हार के बाद उपेंद्र कुशवाहा नया समीकरण तलाश रहे हैं बिहार में? हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति यादव जी हैं। शक्ति यादव जी, तेजस्वी पर अटैक और नीतीश कुमार से एक तरह से कह सकते हैं नई मोहब्बत की कहानी लिखी जा रही है उपेंद्र कुशवाहा द्वारा। देखिए, राजनीति वजूद खत्म होने के बाद उपेंद्र कुशवाहा टीटीएम की भूमिका में आ गए हैं। वो चाहते हैं कि जो नॉमिनेशन है एमएलसी का, उसमें हमारा नॉमिनेशन होकर कुछ जगह मिल जाए सरकार में। बातचीत भी उनकी चल रही है, आगे बढ़ना भी चाहते हैं। इन लोगों की कोई प्रतिबद्धता, कोई कमिटमेंट, कोई आइडियोलॉजी नहीं है। नीतीश कुमार जी ने क्या क्या बोला तेजस्वी जी के प्रति, माँ से पूछो, बाप से पूछो, बच्चे और बच्ची, आईना दिखाए तेजस्वी जी तो तकलीफ लग गया, मिर्ची लग गई, अपनी क्रस्तानियों का बोध नहीं, और आईना दिखाने वालों पर चिढ़ाती है। मेरा साफ मत है कि सारे राजनीतिक दृष्टिहीन, विचारधारा से दृष्टिहीन ये गैंग के जितने सदस्य लोग हैं वो सत्ता में किसी न किसी रूप में बने रहना चाहते हैं। नीतीश कुमार जी की लबो लबाव यही स्थिति है। आप जानते हैं कि नीतीश कुमार जब महागठबंधन में थे तो सीना चौड़ा कर करके काम कर रहा था। जिन लोगों ने सीना तोड़ने की बात की तो सीना भी हम लोगों ने बचाया, आभा भी हम लोगों ने ही बचाया, स्पीकर का ही पद ले लिए, शासन भी सीना के चौड़ा करके चलाया। आज क्या हो गया, दो दो डिप्टी सीएम, एलएस स्पीकर ले लिए, जो स्पीकर लिए हैं, जिसको स्पीकर बनाया है, जिन लोगों को, सब कुछ छिपा हुआ है ना जी, कौन किस पात्र, पात्रता किसकी क्या है, बताने की जरूरत है। उपेंद्र कुशवाहा ने भी कल पॉटिको में कहा था कि नीतीश कुमार की औकात नहीं है कि विधानसभा में स्पीकर का पद ले ले। मैं सवाल फिर घूम के उपेंद्र कुशवाहा पे आ रहा है। आपने कहा कि एमएलसी बनने के लिए ये नजदीकियां बढ़ रही हैं, आधार क्या है? जिसकी राजनीतिक वजूद खत्म होता दिखता है, जो हास्य पे चले जाते हैं, वो व्यक्ति कहीं न कहीं हताश, निराश, लाचार होकर करके किसी के दामन पकड़ करके सारे विचारधारा को तिलांजलि देता है। और जब राजनीति में जो तिलांजलि दे करके कोई पद हासिल करना हो तो टीटीएम गिरी करते रहिए। आज आ गए हैं टीटीएम गिरी पर। वो जिसको गाली देते नहीं थकते थे, जिस नीतीश कुमार जी को गाली देते नहीं थकते थे, उपेंद्र कुशवाहा शिक्षा जगाने चले थे, शिक्षा पर चर्चा करते थे, अल्लाह टपक रहा शिक्षा मंत्री बनने के लिए। अब हम बता रहे हैं असली बात क्या है, सो एमएलसी बन के मंत्री बनना चाहते हैं, निमंत्रण भी मिल रहा है चारों तरफ से, अपना लगे भिड़े हैं। और उपेंद्र कुशवाहा का नाम लेने पर कैसे चिढ़ गए थे शिखर सम्मेलन में नीतीश कुमार जी, जब लिए पत्रकार अंजना ओम कश्यप ने कहा उपेंद्र कुशवाहा, कहे किसका नाम ले लिया आपने, उपेंद्र प्रसाद था, उसको कुशवाहा तो हम बनाए हैं। बात है कि बेचारा उपेंद्र कुशवाहा जी बिल्कुल हताश और निराश हो गए हैं, तो अल्टीमेटली वो सष्टांग होकर करके नीतीश कुमार जी का चरण वंदना करते हुए कुछ पद हासिल करना चाह रहे हैं।
चलिए शक्ति सिंह यादव का कहना है कि उपेंद्र कुशवाहा एमएलसी बनना चाहते हैं और एमएलसी के जरिए वो मंत्री पद हासिल करना चाहते हैं, यही वजह है कि तेजस्वी यादव पर अटैक और नीतीश कुमार की तारीफ कर रहे हैं कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा। फिलहाल अभी तक इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।